बढ़ते हैं। एक और खबर भी है जो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। जियो ने सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च कर दिया। ये 200 से कम कब है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या सिर्फ एक ही प्लान सस्ता हुआ या फिर बहुत सारे, बताने के लिए सौमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, सारी डिटेल बता दो आप। जियो ने ये नए सेट ऑफ ब्रॉडबैंड प्लान्स लॉन्च किए। इनफैक्ट ये सबसे चीपेस्ट प्लान है 198 का, जो उन्होंने लॉन्च किया है लोअर एंड पे। इनफैक्ट जो प्लान है वो किसी पोस्टपेड प्लान से भी सस्ता है ब्रॉडबैंड में। अब उन्होंने कभी 7 नए प्लान्स लॉन्च किए हैं और 2 जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं उनको रिवैम्प किए हैं। जो प्लान्स के रेंज है वो 198 से शुरू होते हैं और 1499 तक जाते हैं। और बिगर साइज वाले जो प्लान्स है उसमें उन्होंने जो OTT ऐप्स को है उसको भी बंडल किया है, साथ में लाइव चैनल्स को भी बंडल किया है। जैसे कि 299 का प्लान है उसमें वो 6 OTT ऐप्स का एक्सेस दे रहे हैं, प्लस 400 लाइव टीवी चैनल्स दे रहे हैं। 398 का जो ऐप है, 398 का जो प्लान है उसमें 14 OTT ऐप्स का वो एक्सेस दे रहे हैं और 550 लाइव टीवी चैनल्स दे रहे हैं। तो क्यों जियो ने ये प्लान्स अभी लॉन्च किए? जैसे कि सबको पता है कि IPL जो अभी शुरू होने वाला है उसका फ्री व्यूअरशिप जियो सिनेमा में किसी भी यूज़र को मिल सकता है। तो जो ब्रॉडबैंड साइड में इसका बेनिफिट हो सकता है उसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए कंपनी ने ये नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। अब जो नए प्लान्स है वो लोअर साइड जो क्राइटेरिया है, जो कि लोअर स्पीड और लोअर अफोर्डेबिलिटी वाले कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए है। और ज़्यादातर ये जो प्लान्स है ये केबल और DTH यूजर्स को टारगेट करने के लिए कंपनी ने बनाया है। इससे कंपनी के जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा केबल यूजर्स है और 6.5 करोड़ से ज़्यादा DTH यूजर्स है, जो कि ऑन एन एवरेज 150 to 200 रुपीज़ पर मंथ स्पेंड करते हैं केबल और DTH सर्विस में। तो ये जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है ये अब रिलायंस जियो केटर कर सकता है अपने नए प्लान्स के साथ। अब अगर आप देखेंगे तो पास्ट में भी जब रिलायंस जियो ने सबसे पहला ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया था अगस्त 2020 में, तब एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस में देखने मिला था। इनफैक्ट जियो के प्लान्स लॉन्च होने के पहले जो सब्सक्राइबर बेस था वो करीब 4.2% के कैगर से ग्रो कर रहा था, और जब से जियो ने लॉन्च किया है तब से जो सब्सक्राइबर बेस है वो करीब 22% के कैगर से ग्रोथ किया है। और ऐसा ही ग्रोथ आगे चल के भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्लान्स रिलायंस जियो ने लॉन्च किए हैं वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है पूरे इंडस्ट्री में। बट थोड़े बहुत कंसर्न्स भी है नए प्लान को लेके, क्योंकि अगर आपको याद होगा पास्ट में करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी ने इन्वेस्ट किया था हैथवे और डेन को अक्वायर करने के लिए, जो कि केबल ऑपरेटर्स है। और चूंकि ये प्लान केबल साइड वाले बिजनेस को टारगेट कर रहा है तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये अब रिडंडेंट हो जाता है। उसी के साथ ये नए प्लान्स के वजह से एनालिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटी को ये भी थोड़ा डाउट है कि 5G यूज़र बेस जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर्स ब्रॉडबैंड पे रहे तो 5G ग्रोथ आगे चल के कम हो सकता है। ऐसा भी एक कंसर्न है इन्वेस्टर और स्ट्रीट को। बट अब यूज़र कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो प्लान्स जियो ने लॉन्च किए हैं वो सबसे ज़्यादा सस्ते हैं आज के टाइम पे मार्केट में। वैशाली, रिलायंस इंडस्ट्रीज को जरा प्राइस एक्शन में देखिए, बताइए। कल मैंने बाजार खुलते ही लॉन्ग पोजीशंस ली थी और अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ पोजीशंस। कल इंट्राडे 2.5% का अपमूव आया, फिर भी 1.5% नेट अपमूव बरकरार रहा। कल अगर आप देखें रेटर साहब, कल क्या हुआ, CLSA के लॉरेंस बलांको ने लंबा टारगेट दिया, सस्ता हो गया वैल्यूएशन ऐसा कहा ब्रोकरेजेस ने। सब मिला के 30-35% का हाइक ब्रोकरेजेस देखती हैं। क्या इस भाव पे पोजिशनली भी लेके खड़े रह सकते हैं रिलायंस? वैशाली, फिलहाल ट्रेंड सही लग रहा है और कल की जो कैंडल भी बनी है इट लुक्स पॉजिटिव। सो नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 2280-2300 तक आना चाहिए। 2300 के ऊपर सस्टेन करता है सो देन आई वुड लुक फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 2400-2500 लेवल्स। क्या 2400 प्लस तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं? ये एक सस्ता प्लान भी है। कल हमने लॉरेंस बलांको से भी बातचीत की थी, जब उनसे पता किया कि क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा रिलायंस के शेयर पर धीरे धीरे एकुमुलेट करना चाहिए। उन्होंने रीजनिंग भी दी थी, वो रीजनिंग अभी आपकी प्लेट पे आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी प्लेट की फॉर्म पे, कि वो क्या वजह बता रहे थे और क्यों रिलायंस को खरीदारी की रिकमेंडेशन दिखा रहे थे। उनका रेंज जो बाजार को लेकर है वो एक अलग है, लेकिन जो रिलायंस को लेकर बात है वो ये कह रहे हैं कि खरीदारी का एक मौका है, रिस्क रिवॉर्ड इस समय बेहतर है। ये कुछ एक पॉइंट्स उनकी तरफ से, और वो कह रहे हैं कि आगे चल के मार्केट्स के अंदर भी उनको पोजीशनिंग ठीक लगती है। हमने चार्ट भी आपके लिए ड्रॉ कर दिया है बैक टू बैक, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एरिया, इसलिए वैशाली का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 2400 तक ये पुल बैक दिखाएगा। ध्यान रखें पुल बैक और तेज़ी में फ़र्क होता है, फिलहाल ये पुल बैक है।